नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूँ वृषभ राशि के सभी दर्शकों का। 2 जून 2020 क्या कहते हैं आपके सितारे, आइए जानने का प्रयास करते हैं। 2 जून 2020 का राशिफल जानेंगे, आज का विशेष जानेंगे और जानेंगे आज सुबह का संक्षिप्त पांचांग, और यह जानकारी चंद्र राशि लग्न राशि पर आधारित होगी। अगर आपकी नाम राशि भी वृषभ है और चंद्र राशि आपको नहीं पता है, लग्न राशि नहीं पता है, तो भी आप लाभ उठा सकते हैं। यदि आपको पता है तो बढ़िया बात है। कई बार चंद्र राशि, लग्न राशि और नाम राशि सेम होती है, तो भी आप इस वीडियो का लाभ उठाएं। महिला पुरुष सभी के लिए है यह वीडियो। तो शुरुआत करते हैं आज सुबह के संक्षिप्त पांचांग से। सूर्योदय होगा 5:28 पर, सूर्यास्त होगा 7:11 शाम को, और चंद्र राशि रहेगी कन्या, फिर उसके बाद हो जाएगी तुला। अभिजीत मुहूर्त 11:52 AM से लेकर 12:47 PM तक, वार मंगलवार, योग व्यतीतात, और आपका नक्षत्र जो है वो चित्रा होगा, और राहु काल रहेगा 3:45 PM से लेकर 5:28 PM तक। और आज का जो त्यौहार है वो निर्जला एकादशी, आज भगवान विष्णु को प्रसन्न करके अपने जीवन के समस्त पापों से मुक्ति पाई जा सकती है, और सभी एकादशियों में अच्छे फल देने वाली, श्रेष्ठ फल देने वाली निर्जला एकादशी है। तो आज के दिन आप पानी पिला सकते हैं किसी को, आज के दिन आप पानी का दान करें, शरबत का दान करें, ये भी आपके लिए बहुत बहुत बढ़िया रहेगा। व्रत रखते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा। जो लोग व्रत नहीं कर सकते हैं या कुछ नहीं कर सकते हैं, वो लोग आज चावल तो कम से कम ना खाएं, और इसके साथ साथ भगवान विष्णु की आराधना करें, आपको बहुत बहुत लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो ये था आज सुबह का संक्षिप्त पांचांग। तो जैसा कि आप जानते हैं कि राहु काल में आपको सावधानी रखनी होती है, और अभिजीत मुहूर्त में कर लेने होते हैं शुभ काम। और अगर आज आपका जन्मदिन है, मैरिज एनिवर्सरी है, तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आप लोगों के ऊपर भगवान की कृपा बरसे, और आप लोग भगवान विष्णु की कृपा से, नारायण की कृपा से खूब तरक्की करें। बात करते हैं, अब बात करते हैं आज के विशेष की। वृषभ राशि के महिला हो या पुरुष हो, आपके अंदर जवानी के लक्षण उम्र से पहले या वक्त से पहले उगने लगते हैं, या आप जवानी को वक्त से पहले ही महसूस करने लगते हैं, और इस कारण लोग वक्त से पहले ही विवाह कर लेते हैं या प्रेम संबंधों में बंध जाते हैं, और जल्दी शादी करना आपके हित में नहीं होता है। अक्सर देखा गया है कि महिलाएं जो हैं वो एक से अधिक विवाह करने पर विवश हो जाती हैं, क्योंकि आपके रिश्ते लंबे समय तक नहीं चलते हैं। दूसरे विवाह का निर्णय बड़ा कठिन होता है, लेकिन फिर भी वक्त ये करवा ही देता है अधिकतर मामलों में। तो मैं यही कहूँगा कि जो भी वृषभ राशि के जातक या जातिका हैं, पहले वो अपने आप को सेट कर लें, उनके अंदर ये जो जवानी है या जवानी के गुण हैं जो उम्र से पहले आ जाते हैं, उसमें वो गलतियाँ कर लेते हैं, तो समझें इस बात को कि हर एक चीज़ का एक वक्त होता है, और जिस वक्त में आपको पढ़ाई करनी चाहिए, कोर्स करने चाहिए, उस वक्त में आप जिम्मेदारियों में फंस जाते हैं, इसलिए आप बहुत ज़्यादा तरक्की भी नहीं कर पाते हैं। और जोश और जुनून में किया गया विवाह या कोई भी जोड़ा गया रिश्ता, जब आप जैसे जैसे जिम्मेदारियां पड़ती हैं, तो फिर उसमें जो प्यार था वो कम होने लगता है। तो मैं यही कहूँगा, जो भी वृषभ राशि के जातक या जातिका हैं, वो दोस्ती करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विवाह तभी करें जब आप पूरी तरीके से सेटल हो जाएं और आप मैच्योर हो जाएं। बात करते हैं आज के राशिफल की। आपकी संतान की तरफ से आपको शुभ समाचार प्राप्त होंगे। छात्र छात्राओं का वक्त पढ़ाई लिखाई में बीतेगा, व्यस्तता रहेगी, वैवाहिक जीवन प्रेम संबंध बढ़िया रहेंगे, नौकरी में तरक्की होगी, नौकरी में तरक्की की काफ़ी संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। सहकर्मियों का साथ मिलेगा, बॉस के साथ बढ़िया बनेगी, व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। जो लोग भी प्रेम संबंधों में हैं, वो अपने प्रीतम के साथ आज अच्छा वक्त बिताने वाले हैं, और उनको उनका पूरा साथ मिलेगा, उनके साथ अच्छा वक्त बिताएंगे। आपकी सेहत बढ़िया रहेगी, आपके रूप रंग में जो एक खिंचाव होगा, एक आकर्षण होगा, लोग आज आपकी तरफ खींचे चले आएंगे, विपरीत लिंग के प्रति आपका आकर्षण बढ़ेगा, लोग आपकी तरफ भी खींचेंगे, आप भी विपरीत लिंग की तरफ खींचेंगे या खींचेंगे। जो लोग बेरोजगार हैं, उनको मनपसंद नौकरी मिल सकती है, इंटरव्यू हो सकता है, अच्छी सैलरी का पैकेज भी मिल सकता है। तो दिन नौकरी करने वालों के लिए भी बढ़िया है, और जो लोग नौकरी की तलाश में हैं उनके लिए भी बढ़िया है, प्रयास जरूर करिएगा। आपकी सेहत का पूरा ध्यान रखिएगा, वैसे सेहत में कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन कोई पुरानी बीमारी चली आ रही है, तो उसकी दवा समय पर लेते रहें। आज आपके चुने हुए लक्ष्यों में को आप पूरा कर पाएंगे, जो आप दिन का टारगेट रखेंगे कि आज मुझे ये काम करना है, वो काम करना है, लगभग वो काम आप पूरा कर लेंगे। जीवन में आज आपको बहुत कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, आज उच्च स्तर की सफलता मिलेगी, आज आप काफ़ी तेज दौड़ने वाले हैं, आज आपकी सफलता की रफ्तार तेज होगी। धीरज रखें, और जीवन की हर भाग दौड़ में सफल होने के लिए
थोड़ा सा आसपास नजर बना के रखनी होती है, सिर्फ भागते रहना, आंख बंद करके मत भागिए, आंख खोलकर कान खोलकर भागिए कि आसपास क्या हो रहा है, सब पे नजर रखिए और अपना लक्ष्य जो है, अपनी आंखें जो हैं वो टारगेट पे रखिए, फिर देखिए आपको आज कितनी और अच्छी सफलता मिल जाती है। तो कुछ वक्त भाग दौड़ के अलावा जीवन में सिर्फ पैसा ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, जीवन में सिर्फ नौकरी या बिजनेस ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, कुछ वक्त अपने लिए भी आज आपको निकालना पड़ेगा, जहाँ पर आपको क्या आवश्यकता है, आपके शरीर को क्या आवश्यकता है, आपकी आपके परिवार को क्या आवश्यकता है, इसके बारे में भी आज विचार करिएगा, तभी आगे आने वाले दिन भी बेहतर बीतेंगे। ये तो था आपका राशिफल। अब राशिफल आपने सुन लिया, अपने बारे में भी जान लिया विशेष में, आज आप हनुमान जी की उपासना करिए, आज आप भगवान श्री कृष्ण की उपासना करिए, आज आप नारायण की उपासना करिए, दान पुण्य करिए, गरीबों को पानी पिलाइए, पेड़ों को पानी पिलाइए, पशु पक्षियों को पानी पिलाइए, जानवरों को पानी पिलाइए, यानी कि आपके हाथ से जितना पानी का वितरण होगा, शरबत का वितरण होगा, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आज आप यही उपाय कर लीजिए, आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि चावल ना खाएं तो बेहतर रहेगा, बाकी व्रत रख सकते हैं तो बहुत बढ़िया है, नहीं रख सकते तो भगवान का स्मरण जरूर करें। इसके साथ साथ आपके जीवन में कोई भी समस्या है, कोई भी परेशानी है, किसी भी प्रकार की कोई भी तकलीफ है, तो दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप अपनी राशि का रक्षा कवच मंगवा सकते हैं, पहनकर आपको अनेकों अनेक लाभ होंगे। इसके साथ साथ आप अपनी राशि का रत्न या लकी रत्न भी मंगवा सकते हैं। आप इसके साथ साथ अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराएं। तो खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आनंद में रहिए और मुस्कुराते रहिए। हरिओम, नमस्कार।